Kau yang bertek. Mana aku yang kau? तो आइए हम लिट क्लास के नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट एपिसोड में। डीवी प्रोडक्शन विजय की तरफ से आप लोगों को सबको फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं डीवी प्रोडक्शन विजय, इसका लिप क्लासेस लिप स्ट्रीमिंग हो रहा है, लिप स्ट्रीमिंग को आप लोग देख रहे हैं। तो आइए हम आज कल हम एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल का एड तक हम लोग सब डिस्कस किए थे, आज आएंगे हम एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमारा जो क्लास है लिप क्लास में आप लोग देखने का मजा लीजिए और अपना परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं 6.3। नंबर वन, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबल्स। इसमें क्या देखा है, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। हम फिगर को ड्रा करेंगे, उसमें भी प्रूव करेंगे, देखेंगे फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या, सब फिगर ड्रा करेंगे, उसमें कौन सा सिमिलर है इसको हम डिस्कस करेंगे। और बोला है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लेकर वो सिमिलरिटी बना उसको डिस्कस करेंगे। यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स द सिंबल्स। इसमें जो रखा कौन सा सिंबल प्यार से वो सिमिलर है देखते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर फर्स्ट में दे रखा है। नंबर वन का पार्ट ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी का क्या दे रखा है 60 80 40 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया ना, ये 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया, ये दोनों हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू आर। ए बी सी और बी क्यू आर किसमें वो दोनों सिमिलर हो गया, एंगल 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 सिमिलरिटी में वो दोनों सेम हो गया। सेकंड को आएंगे, ये फर्स्ट आ गया, हम सेकंड का ड्रॉ करेंगे। ए बी सी इसमें क्या देखा 2 3 2.5 एंड पी आर पी क्यू आर देखा है 6 5 4 देखा है। कैसे होगा देखते हैं। ए बी बाई क्यू आर, ए बी बाय क्यू आर क्या होगा 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/2 हो गया। ए बी बाय क्यू आर हो गया। बी सी बाय कौन सा हो गया पी क्यू पी आर। बी सी बाय पी आर इक्वल टू 2.5/5 1/2 ये भी हो गया। और एसी बाई बाई पी क्यू, एसी बाई पी क्यू इक्वल टू 3/6 1/2 हो गया। तो इसमें क्या होगा ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाय पी आर, सॉरी पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू हो गया। तो कौन सा सेम हो गया ए बी सी मतलब क्यू आर पी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल
क्यू ट्रायंगल क्यू आर पी, मतलब फर्स्ट ए बी आ गया, ए बी आ गया मतलब टू आ गया, और फर्स्ट क्यू आर आ गया, इसके बाद आर पी, आर पी आर पी जो फाइव है बी सी फाइव है, इसके बाद आएगा। तो इसी हिसाब से हम सिमिलरिटी निकालेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी, ए बी के साथ कौन सा सेम हुआ, क्यू आर, ए बी क्यू आर, क्यू आर बी सी, बी सी है आर पी है, ए सी, ए सी मतलब क्यू पी है। तो इसी हिसाब से रहना चाहिए, हम जो सिमिलरिटी निकालेंगे एम बी एस सी सिमिलर होगा। इसके बाद था थर्ड, इसके बाद था थर्ड का हमको क्या रखा है, एल एम पी डी एफ, एल एम पी डी एफ, एल एम पी जो 2.7 दे रखा है, फोर फाइव सिक्स देखा है। देखते हैं कौन कौन सा सेम होगा, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, तो 2.7/5 ये नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, अलग तरीके से कोई होगा क्या, 2/6 करेंगे ये भी नहीं होगा, किसी तरीके से नहीं होगा। इधर एल एम फर्स्ट क्या करेंगे, एम पी, एम पी बाय डी, 2/4 = 1/2, देन एल पी, एल पी बाय डी एफ 3/6, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन एम एल, एम एल बाय एफ दिस इक्वल्स टू 2.7/5, इसका क्या होगा, एम पी बाय डी इक्वल्स टू एल पी बाय डी एफ नॉट इक्वल्स टू एम एल बाय एफ, दिस इक्वल्स एल एम पी कैन बी नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर सॉल्व है, इसको फुलफिल नहीं किया इसलिए सिमिलर नहीं बनेगा। नेक्स्ट गया आई वी का करेंगे, क्या रखा है, एम एन एल बाद भी का देखेंगे,
लिखा ए बी सी, ए बी सी ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री, 80 डिग्री 2.53 इधर का 2.5 और ये 3 इधर का, इसका सामने वाला इधर का सामने वाला इधर का 3 इधर का है DEF DEF इसमें इधर का F का इधर का 80 डिग्री ये 5 इधर का है ये 6 इधर का है देखते हैं फर्स्ट क्या करेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ 180 डिग्री यहाँ तो प्रूफ है इसका लग क्यों है ए बी वैसे का लग कौन सा है डी एफ तो 2.5/5 इक्वल टू 1/2 हो गया लेकिन ये जो है इसका सामने वाला एंगल है ये सामने वाला कौन सा है ये साइड है बी सी और इसमें क्या हुआ EF, BC by EF, BC by EF, equal to 3/6, equal to 1/2, but BC and EF are not corresponding sides. ABC and triangle DEF are not similar. वो दोनों similar नहीं हो सकते क्योंकि ये corresponding side नहीं है अगर 6 अगर ये जो 3 है अगर ये 3 होता तो हो जाता corresponding side होता तो उसमें वो दोनों similar हो जाते हैं इसके बाद नंबर लास्ट वाला BI वाला यह क्या किधर रखा है DEF DEF और PQR DEF क्या किधर रखा है 70-80 ऊपर वाला बी का 70 ई का 80 क्यू का 80 ई का 80 क्या देखे हैं डी इक्वल्स टू 70 डिग्री ई इक्वल्स टू 80 डिग्री सो एफ इक्वल्स टू क्या होगा एफ एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 80 प्लस 70 180 माइनस 150 30 डिग्री हो गया अगर PQR इन PQR P एंगल इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80 प्लस 30 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री ये हो गया 70 डिग्री तो इक्वल एंगल एंगल D इक्वल टू एंगल P हो गया एंगल ई इक्वल्स टू एंगल कौन सा क्यू हो गया एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर हो गया सो अकॉर्डिंग टू ए ए ए सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल डी एफ ट्रायंगल डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर इस रूप से आप लिख सकते हैं इसके बाद नंबर टू नंबर टू क्या दे रखा है इन इन फिगर 36.35 ओ डी सी ओ डी सी इक्वल्स टू ओ बी ए ओ डी सी सिमिलर टू ओ बी ए बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री
एंड सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री फाइन डी ओ सी डी सी ओ एंड ओ ए बी देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है ओबीसी ओडीसी ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी ओडीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ओबीए ओबीए ट्रायंगल ट्रायंगल ओबीए ओबीए ओडीसी दोनों सेम हो गया और क्या क्या दे रखा है हमको दे रखा है बीओसी 125 बीओसी 125 बीओसी एंगल इक्वल टू 125 डिग्री ओडीसी ओडीसी इक्वल टू दे रखा है सीडीओ 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 एंगल इक्वल टू 70 डिग्री ये 70 डिग्री हो गया क्या देखा फाइंड डीओसी डीओसी हम कैसे निकालेंगे ये हो गया 125 इसका ये दोनों क्या होगा सप्लीमेंट एंगल्स होगा सो डीओसी एंगल इक्वल टू 180 माइनस कितना 125 तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 55 डीओसी हो गया ये तो 70 है तो ये 70 है ये हो गया 55 तो नेक्स्ट कितना होगा नेक्स्ट दे रखा है डीसीओ DCO DCO angle equals to 180 minus कितना होगा 70 plus 55 equals to 180 minus 5 125 is equals to AB हो गया 55 DCO next कौन सा मांग रखा है OAB OAB कैसे निकालेंगे ये 55 हो गया ये क्या होगा ये 55 होगा ये 55 होगा तो ये 70 होगा तो ये 70 होगा पहले वही भी निकालने कैसे करेंगे ओ बी ए एंगल 70 डिग्री ये हो गया 55 डिग्री ए ओ एंगल इक्वल टू 55 डिग्री सो ओ ए बी एंगल दिस इक्वल क्या होगा 180 माइनस 70 प्लस 55 180 माइनस 55 ये भी 55 होगा इसी रूप से हम निकाल सकते हैं इसके बाद नंबर 3 नंबर 3 देखा है Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using the similarity criteria of two triangles show that OA by OC equals to OB by OD. First, क्या क्या दे रखा है हम पहले देखिए देखते हैं ABCD से trapezium ड्रा करते हैं ABCD is a trapezium and diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC. AB parallel to DC. यहाँ क्या आदर्श है? AB parallel to DC और दोनों diagonal क्या क्या होता है? दोनों O इसमें intersect करते हैं. And two diagonal AC and BD of a trapezium intersect each other at the point O. ये given. ये given है. AB parallel to DC, AB parallel to DC and AC and BD intersect at O.
में जो सेट की है। और क्या दरखा है, यूजिंग सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ टू ट्रायंगल सो दैट प्रूफ, टू प्रूफ क्या वेब है उसी टू प्रूफ। वेब है ओसी इक्वल्स टू ओबी बाय ओडी, ओबी बाय ओडी हम कैसे प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल डीओसी, ट्रायंगल डीओसी एंड एओबी, इन ट्रायंगल डीओसी एंड बीओए, ट्रायंगल बीओए डीओसी बीओए कौन कौन सेम हो गया, फर्स्ट बीओए डीओसी एंगल को, सो बीओ एंगल, ये दोनों एंगल सेम हो गया। DOC एंगल इक्वल्स टू BO ये एंगल हो गया, ये है ओपोजिट, ओपोजिट एंगल हो गया। और क्या क्या सेम होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होगा, क्यों होगा, AB पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। और क्या होगा, एबी पैरेलल टू सीडी और दिस इंटर इंटरसेक्ट विद बीडी एंड बीडी इंटरसेक्ट, इसमें क्या होगा एबीओ एंगल इज इक्वल्स टू ओडीसी। तो ये एंगल का साइड एंगल सेम हो गया, ये एंगल का साइड एंगल सेम हो गया, अब दो एंगल सेम हो गया तो दोनों ऑटोमेटिक क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या होगा बी ओ ए ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ ए। तो क्या होगा, अगर डी ओ सी डी ओ सी डी ओ ए ये दोनों सेम हो गया तो क्या करेंगे, डी ओ डी ओ बाई बी ओ, डी ओ मतलब ये दोनों एंगल का बीच में, डी ओ बाई बी ओ क्या होगा, ये डी का सामने वाला ओ सी बाई बी का सामने वाला ए ओ, डी ओ हम क्या प्रूफ करना है, ओ ए बाई ओ सी, इसके साथ ले आएंगे ओ ए करेंगे, उल्टा करेंगे क्या होगा पी ओ बाई डी ओ इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी, ओके ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ये प्रूफ हो गया, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ए बी हो गया, ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू बी ओ सी ओ बाय डी ओ हो जाएगा, ए ओ बाय बी ओ अगर हमको दे रखा है ए ओ बाय बी ओ नंबर थ्री में क्या ओ ए बाय ओ सी, सेम ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। इन द फिगर 6.36 QR by QS, QR by QS equals to Q2 by PR and angle 1 equals to angle 2, so that triangle PQS similar to TQR. फर्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, नंबर फोर हो गया क्यू आर टी, क्यू आर टी टी पी एस, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल को और क्या कहते रखा है क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर क्यू
R by QS equals to QT by QP दे रखा है, QT by PR दे रखा है, QT by PR वो दे रखा है, ये given है, to prove. क्या prove करना है? Triangle prove करना है हमको, triangle PQS PQS angle similar to TQR. Triangle TQR. ये जो PQS angle और TQR angle को प्रूफ करना है. देखते हैं प्रूफ. फर्स्ट इन द ट्रायंगल PQR. इन ट्रायंगल PQR. PQR में क्या हो गया? इसको देखते हैं. PQR में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ये दोनों अगर समान हो गया तो Q इक्वल्स टू PR हो जाएगा. क्योंकि दोनों एंगल एक ट्रायंगल का दोनों एंगल सेम हो जाएगा तो इसका सामने वाला साइड्स भी सेम हो जाएगा. इफ इन अ ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर सेम इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल हो जाएगा. तो PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा. अब गिवन क्या देखा है? QR बाय QS इक्वल्स टू QT बाय PR. दिस इंप्लाइज QR बाय QS इक्वल्स टू क्या हुआ? QT बाय बाय PR के जगह में क्या ले सकते हैं? PQ. देखिए QR बाय QS इक्वल्स टू QT बाय PQ. ये दोनों सम हो गए. PR by PS equals to QT by PQ हो गया. तो क्या होगा? PS this implies PS parallel to क्या होगा? PS parallel to TR. इसका अगर parallel हो गया क्या होगा? ये angle के साथ same होगा, इसके साथ ये same हो जाएगा. इसमें क्या होगा? QPS angle equals to QPR. इसका साथ ये सेम हो जाएगा, इसका साथ ये सेम हो जाएगा. QPS QSP QSP एंगल इक्वल्स टू QRT. ये दोनों इसका साथ ये सेम हो गया, इसका साथ सेम हो गया. दिस में क्या होगा? तो PQS ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR. इसे रूप से हम प्रूव कर सकते हैं. ये हो गया नंबर 4. अभी नंबर 5 में आएंगे. नंबर 5, S and T are the points inside PR and QR of a PQR so that P equals to RTS. So that RPQ equals to RTS. इसका हम क्या करते हैं? पहले ड्रॉ करते हैं. इन द PQR in triangle PQR. क्वेश्चन देखा है? पहला क्वेश्चन देखेंगे. नंबर S and T are the points on the side PR and QR. PR and QR का साइड में S and T है. S and T PR के ऊपर S है एवं T QR के ऊपर T है. S and TR points of the side the PR and QR of the PQR so that the angle P equals to RTS. Angle P P equals to RTS. ये एंगल सेम हो जाएगा. इसका साथ इसे given in triangle PQR ST intersect PR and QR. और क्या दे रखा है? एंगल P इक्वल टू एंगल T. एंगल P इक्वल टू एंगल T. RTS. TS. RTS कर देते हैं. RTS. ये दोनों सेम हो गया. तो टू प्रूफ. कौन सा? ट्रायंगल RTS. RPQ, RPQ, RPQ
Sinusoidal RTS. R P Q R T S ये दोनों सेम होगा, ये दोनों मतलब सिमिलर होगा, हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, R T S इन ट्रायंगल R P Q, इसको ध्यान देना होगा, ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड जो R P Q लिखते हैं, P Q R Q नहीं लिखे, R P Q क्यों लिखते हैं, इसको ध्यान देना होगा। R P Q मतलब R P Q, बीच में P है जो एंगल सेल है, एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस मतलब इसका बीच में जो P एंगल है वो सेम है, क्या होगा P एंगल इक्वल्स टू आर टी एस, वो की बात है, एंगल P इक्वल्स टू आर टी एस आपको दे रखा है, एंगल P जितना है आर टी एस भी इतना है आपको दे रखा है पहले, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। और क्या होगा, ये जो R है, वो जो R है आर पी क्यू में भी है R है, और आर टी एस में भी R है, R एंगल इज द कॉमन एंगल, दोनों एंगल अगर सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ए ए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टू ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी एस, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस हम लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर फाइव, इसके बाद नंबर सिक्स, नंबर सिक्स का इन द फिगर 6.37, इफ द ए बी ई, इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई ए सी डी कॉन्ग्रुएंट सो दैट ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगुलर टू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखते हैं फर्स्ट फिगर ए बी सी डी, इन गिवन फिगर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ए बी ए सी डी सॉरी ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए सी डी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो आपको दे रखा है। टू प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हम प्रूफ करते हैं, पहले प्रूफ करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, ए बी ई गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या होगा, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, क्या होगा ए बी ई का ए बी इक्वल टू ए सी होगा, और क्या होगा ए बी ई मतलब ए इक्वल टू ए बी ए सी डी मतलब ए डी, ए इक्वल टू ए
इक्वल्स टू एडी होगा, ए इक्वल्स टू एडी होगा। तो हम देखते हैं अगर ए बी इक्वल्स टू एसी होता, ए बाय इक्वल्स टू एडी होता तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू एसी, ए बी इक्वल्स टू एसी होता है तो ए बी बाय एसी समान वन होगा, ए बाय ए बी, ए बी इक्वल वन होगा तो क्या होगा, ए बी बाय एसी इक्वल्स टू ए बाय एडी हो। क्या क्या कर सकते हैं, ए बी बाय ए बी बाय ए कर सकते हैं, बाय ए बी इक्वल्स टू ए सी बाय ए बी, हम उसको क्या कर सकते हैं, ए बाय ए बी, ए बाय ए बी इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, ए बाय ए बी बाय सी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू वन और ए डी बाय ए बाय ए डी इक्वल टू वन, हम क्या करते हैं ए डी बाय ए इक्वल टू वन करेंगे, ए डी बाय ए बी का जो है ए बी का ए डी करेंगे, ए डी बाय ए इक्वल टू वन, तो इसमें क्या होगा, ए बी बाय ए सी इक्वल टू ए डी बाय ए, इसमें क्या होगा, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू ए सी बाय ए होगा। तो इसका उल्टा करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ए डी बाय ए बी, ए बी बाय ए बी इक्वल्स टू ए बाय ए सी होगा, ए डी बाय ए बी इक्वल्स टू ए बाय ए सी होगा, तो क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो क्या होगा, डी पैरेलल टू बी सी होगा, इसी का क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी होगा, ए डी ई सॉरी ए तो क्या होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई सिमिलर टू होगा कौन सा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया नंबर सिक्स। इसके बाद नंबर सेवन, फिगर एक है नंबर सेवन में क्या होगा, फिगर एक है लेकिन प्रूफ करना है चार टो, हमको चार टो प्रूफ करना है, बहुत इजी है। ट्रायंगल ए बी सी नंबर सेवन, ए बी सी इन द ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ये है ए सी ए बी, ए डी सी दोनों परपेंडिकुलर सी का है, हमको क्या दे रखा है, गिवन गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, ए डी परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, सी परपेंडिकुलर टू ए डी, ये भी हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है, ए डी एंड सी ए बी सी इंटरसेक्ट इज द राइट पॉइंट ओ, पॉइंट पॉइंट पी, दैट मीन्स ए एंड ए एंड सॉरी ए डी, ए डी एंड सी इंटरसेक्ट एट पी, दोनों पी में इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो ए डी और सी जो है पी में इंटरसेक्ट करते हैं, टू प्रूफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आई सब को दे रखा है, हम पहला लिख देते हैं, फर्स्ट का दे रखा है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी,
सेकंड में दर का ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी सिंगल टू ट्रायंगल सीबीई। थर्ड में दर का ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी सिंगल टू ट्रायंगल एडीबी। और लास्ट में दर का है ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। फर्स्ट केस में देखते हैं इन ट्रायंगल एईपी, एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, सीडीपी AEP, ये और ये, ये दोनों में क्या होगा? AEP एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। AEP एंगल इक्वल्स टू CDP एंगल, इस इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या क्या होगा? ये दोनों एंगल समान हो सकता है। APE APE इक्वल्स टू C, CPD, CPD एंगल, ये ओपोजिट एंगल होगा, ये होगा ओपोजिट एंगल होगा। अगर दोनों एंगल समान हो गया, दोनों से सिमिलर हो गया, तो सिमिलर क्या होगा? ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। दोनों सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो जाएगा। अब गेस पास्ट का सेकंड का देखते हैं, एक एक करके प्रूफ करेंगे। सेकंड का देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबी। एबीडी मतलब क्या होगा? ए बी डी सी डी ई, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या होगा? ए डी बी, ए डी बी एंगल एबीडी का, एबीडी का ए डी बी, ये जो एंगल है दिस इक्वल्स टू सी बी का सीई बी, सीई बी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ए डी टी और सी बी और बी एंगल क्या है? कॉमन एंगल है। ये एंगल ए बी डी में भी है और सी बी ई में भी है ना? बी एंगल तो कॉमन एंगल। तो क्या हुआ? दोनों एंगल सेम हो गया, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड का, आर का क्या दरकार है? इन ट्रायंगल एईपी, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, एईपी और एडीबी, इधर ये और ये बड़ा है, एईपी और एडीबी, इसमें क्या क्या सेम होगा? फर्स्ट होगी ए 90 डिग्री को, ए 90 डिग्री को एईपी, AEP equals to ADB equals to 90 degree होगा, ADB this equals to 90 degree होगा, इसके साथ ही 90 degree होगा, कौन सा होगा? A angle, A दोनों का common angle, angle A equals to common angle, तो क्या होगा? common angle हो गया, A दोनों angle same हो गया, तो this equals to क्या होगा? triangle AEP similar to triangle A, B, B. कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? आई बी क्या करेंगे? आई बी क्या करेंगे? आई बी क्या रखा है? ट्रायंगल पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी सी।
तो क्या करेंगे, देखिए पीबीसी पीडीसी ये एंगल और बीईसी बीईसी ये एंगल और ये एंगल, ये टंगी दोनों टंगी में, ये टंगी में, ये टंगी में, क्या कैसे होगा पहले देखें। एबीसी तो पीडीसी है, पीडीसी एंगल ये टंगी में, पीडीसी और बीईसी बीईसी ये छोटा टंगी और ये बड़ा टंगी में सेम होगा, ये 90 डिग्री होगा। पीडीसी पीडीसी एंगल इक्वल्स टू बी बी बीईसी एंगल 90 डिग्री है ना, बीडीसी ए भी 90 डिग्री है और बीसी बीसी ए भी 90 डिग्री है। और कौन सा सेम होगा, सी कॉमन एंगल है, सी इक्वल्स टू कॉमन एंगल क्या होगा, ट्रायंगल पीडीसी ट्रायंगल बीसी सब एंगल 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 सिमिलरिटी में आ जाएंगे सब। तो ये नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके, अगले क्लास में हम क्या करेंगे नंबर 8 से आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन विद्या, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। आप लोग हर दिन हर रोज उसमें जो लिप क्लास आ रहा है, लिप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसको देखते रहेगा और अपना मैथ को प्रिपेयर करते रहेगा। थैंक यू। वेलकम। तो आइए हम लिट क्लास के नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट एपिसोड में। डीबी प्रोडक्शन विजय की तरफ से आप लोगों को सबको फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं डीबी प्रोडक्शन विजय, इसका लिप क्लासेस लिप स्ट्रीमिंग हो रहा है, लिप स्ट्रीमिंग को आप लोग देख रहे हैं। तो आइए हम जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8 तक हम लोग सब डिस्कस किए थे, आ जाएंगे हम एक्सरसाइज 6.3। तब तक के लिए जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमारा जो क्लास है लिप क्लास में आप लोग देखने का मजा लीजिए और अपना परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं 6.3। नंबर 1 स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय यू फॉर answering the questions and also write the pairs of the similar triangles in the symbols from. इसमें क्या दिखा है, state which pairs of the triangles in figure 6.34 are similar। हम figure को draw करेंगे, उसमें भी proof करेंगे, देखेंगे first में क्या, second में क्या, सब figure draw करेंगे, उसमें कौन सा similar है इसको हम discuss करेंगे। और लिख बोला है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लेकर वो सिमिलरिटी बना उसको डिस्कस करेंगे। Used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbols. इसमें जो लगता है कौन सा सिंबल pairs है वो सिमिलर है, देखते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। फर्स्ट में देखा है नंबर 1 का फर्स्ट ए बी सी एबीसी का क्या दे रखा है 60 80 40 60 80 40 दे रखा है। तो इसमें क्या दे हम क्या हमको मिला है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया ना, ये 60 डिग्री 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ये भी 80 डिग्री हो गया। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया, ये दोनों हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ए ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर किसमें वो दोनों सिमिलर हो गया, एंगल 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 सिमिलरिटी में दोनों सेम हो गया। सेकंड को आएंगे, फर्स्ट आ गया, हम सेकंड का ड्रॉ करेंगे ए बी सी
सी इसमें क्या देगा 2 3 2.5 एंड पी आर पी क्यू आर देखा है कैसे होगा देखते हैं ए बी बाई क्यू आर ए बी बाई क्यू आर इक्वल क्या होगा 2/4 1/2 हो गया ए बी बाई क्यू आर हो गया बी सी बाई कौन सा हो गया पी क्यू पी आर बी सी बाई पी आर इक्वल 2.5/5 ये भी हो गया और ए सी बाई बाई पी क्यू एसी बाई क्यू इक्वल 3/6 इक्वल 1/2 हो गया तो इसमें क्या होगा ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाय पी आर सॉरी पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू हो गया तो कौन सा सम हो गया ए बी सी मतलब क्यू आर पी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू ट्रायंगल क्यू आर पी मतलब फर्स्ट ए बी आ गया मतलब 2 आ गया और फर्स्ट क्यू आर आ गया इसके बाद आर पी जो 5 है बी सी 5 है इसके बाद आएगा तो इसी हिसाब से हम सिमिलरिटी निकालेंगे ये हम कैसे निकालेंगे ए बी सी ए बी के साथ कौन सा सेम हुआ क्यू आर ए बी क्यू आर बी सी है आर पी है ए सी इसी मतलब इसी सब से रहना चाहिए हम जो सिमिलरिटी निकालेंगे नाम भी ऐसी सब देना होगा ये दोनों सिमिलर होगा इसके बाद था थर्ड का ड्रा करते हैं थर्ड का हमको क्या दे रखा है एल एम पी डी एफ LMP जो 2.7 दे रखा है इसमें दे रखा है 4/5/6 4/5/6 दे रखा है देखते हैं कौन कौन सा सम होगा 2/4 हो गया 3/6 हो गया तो 2.7/5 ये नहीं होगा ये होगा क्या नहीं होगा अलग तरीके से कोई होगा क्या 2/6 करेंगे ये भी नहीं होगा किसी तरीके से नहीं होगा इधर एल एम फर्स्ट क्या करेंगे एम पी बाय डी 2/4 1/2 देन एल पी बाय डी एफ 3/6 ये भी 1/2 हो गया लेकिन ML by EF this equals to 2.7/5 this is क्या होगा MP by D equals to LP by DF not equals to ML by EF this is LMP can be not similar नॉट सिमिलर टू डी एफ ट्रायंगल दोनों सिमिलर नहीं होगी क्योंकि सिमिलरिटी का जो दे रखा है हमको इसका कोई जो शॉर्ट है इसको फुलफिल नहीं किया इसलिए वो सिमिलर नहीं बनेगा नेक्स्ट गया आई वी का करेंगे क्या दे रखा है MNL
70 डिग्री, एम गत्र का 70 डिग्री, 2.5 और 5 दे रखा है और पी क्यू आर दे रखा है। पी क्यू आर क्यू दे रखा है 70 डिग्री, ये 5 दे रखा है, ये दे रखा है। हम देखते हैं ये दोनों में क्या होगा, एम एंगल एम इक्वल्स टू एंगल MN MN by PQ, एक साइड में MN by PQ क्या होगा 2.5, 5 by 5 equals to 1 by 2 हो गया। इसको ML by QR, ML by QR कितना, 5 by 10, ये 1 by 2 हो गया। इसमें कौन कौन सा ज्यादा सिमिलर होगा, एन एम एल लगा लेते हैं तो पी क्यू आर होगा, एम एन एम एल होगा, पी क्यू क्यू आर होगा, एम एन एम एन का 70 इक्वल 80 का 80
देखे t इक्वल्स टू 70 डिग्री, t इक्वल्स टू 80 डिग्री, सो f इक्वल्स टू क्या होगा, f एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 80 प्लस 70, 180 माइनस 30 डिग्री हो गया। अगर PQR QR, PQR, PNR, what is it? A similarity, according to A similarity, triangle DEF similar to triangle PQR. इस रूप से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर टू, नंबर टू क्या दे रखा है, इन इन फिगर 36.35 ओडीसी इक्वल्स टू ओबीए, ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, बीओसी इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड सी डीओ इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइन डीओसी डीसीओ एंड ओएबी। देखते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है, ओडीसी ट्रायंगल, ओडीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ओबीए, ट्रायंगल ओबीए, ओबीए ओडीसी, तो दोनों सेम हो गया। और क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बीओसी 125, BOC एंगल इक्वल टू 125 डिग्री, ODC कौन सा दे रखा है, CDO एंगल इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। क्या देखा, फाइंड DOC हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया 125, इसका ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल्स होगा, सो DOC एंगल इक्वल टू 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 85 DOC हो गया, ये तो 70 है, तो ये 70 है, ये हो गया 55, तो नेक्स्ट कितना होगा, नेक्स्ट देखा है DCO एंगल इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा 70 प्लस 55, 180 माइनस 5 इक्वल टू ये भी हो गया 55 DCO। नेक्स्ट कौन सा मांग रखा है, ओएबी कैसे निकालेंगे, ये 55 हो गया, ये क्या होगा, ये 55 होगा, तो ये 70 होगा, तो ये 70 होगा, पहले वही भी निकालने तो कैसे करेंगे, ओबीए एंगल तो ये हो गया 55 डिग्री, एओबी एंगल इक्वल टू 55 डिग्री, सो ओएबी
इसी रूप से हम निकाल सकते हैं इसका बाद नंबर 3 नंबर 3 देखा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रैपेज़ियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया of two triangles so that OA by OC equals to OB by OD. First, क्या क्या दे रखा है हम पहले देखिए देखते हैं ABCD से ट्रापीजियम ड्रा करते हैं बाकी सब पापा जानते हैं लेकिन मम्मी कैसे बोलते हैं पापा को नहीं जानती होगी मम्मी तो बोलते हैं पापा को नहीं जानती होगी ABCD से ट्रापीजियम and diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC. AB parallel to DC. यहाँ क्या आता है? AB parallel to DC और दोनों diagonal क्या क्या होता है? दोनों O इसमें intersect करती है. And two diagonal AC and BD of trapezium intersect each other at the point O. एक ही बात है. AB parallel to DC. AB parallel to DC and AC and BD intersect at O में intersect किए और क्या दरखा है using similarity theorem of two triangles so that to prove क्या है OA by OC to prove OA by OC equals to OB by OD ओडिया में कैसे प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल बीओसी ट्रायंगल बीओसी एंड एओबी इन ट्रायंगल बीओसी एंड बीओई ट्रायंगल बीओई बीओसी बीओई कॉमन सेम हो गया फर्स्ट BOA BOC एंगल को सुबियो एंगल ये दोनों एंगल सेम होंगे BOC एंगल इक्वल्स टू BO ये एंगल हो गया ये ओपोजिट ओपोजिट एंगल हो गया और क्या कैसे होगा दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होगा क्यों होगा AB पैरेलल टू AB parallel to CD and AB parallel to CD और क्या होगा AB parallel to CD और इसे intersector की PD and BD intersect समझा क्या होगा ABO angle is equals to ODC तो ये एंगल का साइड एंगल सेम हो गया ये एंगल का साइड एंगल सेम हो गया अब दो एंगल सेम हो गया तो दोनों ऑटोमेटिक क्या होगा दोनों क्या होगा दोनों सिमिलर होते हैं तो क्या होगा एंगल डीओसी सिमिलर होता है क्या होगा अगर डीओसी BOC, BOA ये दोनों सेम हो गया तो क्या करेंगे DO DO by DO मतलब कितने नंबर का बीच में DO by BO तो क्या होगा ये समान वाला OC by समान चार तो बना है OA बाय OC किसकी संधि आएंगी OA उल्टा करेंगे क्या होगा PO बाय DO बाय OC बाय OC बाय OC बाय OC
नंबर थ्री में क्या देखा है वही व्यवसी सेम वही व्यवसी को शुरू होगी व्यवसी होगी इसके बाद नंबर फोर इन द फिगर 6.36 क्यूआर बाय क्यूएस QR by QS equals to Q2 by PR and angle 1 equals to angle 2 so that triangle PQS similar to TQR first हम क्या करते हैं draw करते हैं number 4 angle 1 equals to angle 2 दे रखा है हमको और क्या क्या दे रखा है QR by QS QR by QS equals to QT by QP दे रखा है QT by PR दे रखा है QT by PR हमको दे रखा है ये given है to prove क्या प्रूफ करना है ट्रायंगल प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल PQS ट्रायंगल सिमिलर टू TQR ट्रायंगल TQR ये जो PQS ट्रायंगल और TQR ट्रायंगल को प्रूफ करना है देखते हैं फर्स्ट इन द ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR PQR में क्या हो गया इसको देखते हैं PQR में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये दोनों अगर समान हो गया तो क्या होगा PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल एक ट्रायंगल का दोनों एंगल सेम हो जाएगा तो इसका सामने वाला साइड्स भी सेम हो जाएगा इफ इन अ ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर सेम इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल हो जाएगा सो PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा अब गिवन क्या देखा है QR / QS इक्वल्स टू QT / PR दिस इंप्लाइज QR / QS इक्वल्स टू क्या हुआ QT / PR के जगह हम क्या ले सकते हैं PQ देखिए QR / QS इक्वल्स टू QT / PQ ये दोनों सम हो गए देखिए PR / PS इक्वल्स टू QT / PQ हो गया तो क्या होगा PS दिस इज राइट PS पैरेलल टू क्या होगा PS पैरेलल टू TR इसका अगर पैरेलल हो गया क्या होगा ये हमारे के साथ सम होगा इसके साथ ये सेम हो जाएगा इसमें क्या होगा QPS एंगल इक्वल्स टू QTR इसका साथ ये सेम हो जाएगा इसका साथ ये सेम हो जाएगा QPS QSP QSP एंगल इक्वल्स टू QRD ये दोनों इसका साथ ये सेम हो गया इसका साथ सेम हो गया दिस में क्या होगा तो PQS ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR इसे रोशन प्रो कर सकते हैं ये हो गया नंबर 4 अभी नंबर 5 में आएंगे नंबर 5 S and T are the points inside PR and QR of a PQR so that P equals to RTS so that RPQ equals to RTS
इसका हम क्या करते हैं, पहले ड्रा करते हैं इन द पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन देखा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे नंबर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। पी आर एंड क्यू आर का साइड में एस एंड टी है, एस एंड टी, पी आर के ऊपर एस है एवं टी क्यू आर के ऊपर टी है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड द पी आर एंड क्यू आर ऑफ द पी क्यू आर सो दैट पी एंगल पी इक्वल्स टू आर पी एस एंगल पी पी इक्वल्स टू आर पी एस पी एंगल से एंगल पी इक्वल्स टू एंगल टी आर टी एस टी एस ट्राइंगल आर टी एस आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू आर टी एस ये दोनों सेम होगा, ये दोनों मतलब सिमिलर होगा, हम प्रूफ करते हैं। बस क्या करेंगे आर टी एस ट्रायंगल आर पी क्यू तो क्लास में ध्यान देना होगा, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो आर पी क्यू लगता है पी क्यू आर क्यू नहीं लगती आर पी क्यू लगते हैं, इसको ध्यान देना होगा आर पी क्यू मतलब आर पी क्यू इसमें पी है जो एंगल सेल एंड ट्रायंगल आर टी एस इसको ध्यान रखा आर टी एस आर टी एस मतलब इसका बीच में जो टी एंगल है वो सेम है, क्या होगा पी एंगल इक्वल्स टू आर टी एस वो की बन है एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस आपको दे रखा है, एंगल पी जितना है आर टी एस भी इतना है आपको दे रखा है पहले एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। और क्या होगा ये जो आर है वो जो आर है आर पी क्यू में भी है आर है और आर टी एस में भी आर है, आर एंगल इज द कॉमन एंगल दोनों एंगल अगर सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो जाएगा क्योंकि ए ए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टू ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी एस ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी एस हम लिख सकते हैं। ये हो गया नंबर फाइव, इसके बाद नंबर सिक्स। नंबर सिक्स देखा है इन द फिगर 6.37 इफ द ए बी ई इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी ए बी ई ए सी डी कॉन्ग्रुएंट सो दैट ट्रायंगल ए डी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। देखते हैं फर्स्ट फिगर ए बी सी डी ए बी सी given figure
ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए सी डी ए सी डी ए बी ए सी डी सॉरी ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल ए सी डी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है सर वो हमको दे रखा है टू प्रूफ हमको क्या प्रूफ करना है ट्रायंगल एडीई एडीई ट्रायंगल एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी हम प्रूफ करते हैं पहले प्रूफ करेंगे फर्स्ट क्या होगा एबीई गिवन ट्रायंगल एबीई congruent to triangle ACD, ABE और ACD दोनों congruent होगी। अगर congruent होगा तो क्या होगा? दोनों अगर congruent होता तो AB equals to AC होगा, AB equals to AC होगा। क्या होगा? ABE का AB equals to AC होगा। और क्या होगा? ABE मतलब AE equals to AD, ACD मतलब AD, AE equals to a equals to ad होगा a equals to ad होगा तो हम देखते हैं अगर ab equals to ac होता है a by equals to ad होता है क्या होगा ab equals to ac ab equals to ac होता है तो ab by ac समान वन होगा a by ab ab by ac वन होगा तो क्या होगा ab by ac तो ए ई बाई ए डी हो क्या क्या कर सकते हैं ए बी बाई ए कर सकते हैं बाई ए ई इक्वल्स टू ए सी बाई ए डी तो क्या कर सकते हैं ए ई बाई ए बी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी ए ई बाई ए बी बाय सी ए बी बाय ए सी इक्वल्स टू वन और ए डी बाय ए ई बाय ए डी इक्वल्स टू वन तो क्या करते हैं ए डी बाय ए इक्वल्स टू वन करेंगे ए डी बाय ए बी का जो है ए बी का ए डी करेंगे ए डी बाय ए ई वन इसमें क्या होगा ए बी बाय ए सी इक्वल्स टू ए डी बाय ए इसमें क्या होगा ए बी बाय ए डी ए बी बाय ए डी इक्वल्स टू ए सी बाय ए तो इसका उल्टा करेंगे ए डी बाय करेंगे उल्टा कर देंगे तो ए डी बाय ए बी ए बी बाय ए बी इक्वल्स टू ए ई बाय ए बी बाय ए बी इक्वल टू ए बाय ए सी होगा तो क्या होगा ये दोनों सिमिलर हो जाएगा तो क्या होगा डी पैरेलल टू बी सी होगा इसी का क्या होगा ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ए तो क्या होगा ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई ए डी ई सिमिलर टू होगा कौन सा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी तो ये हो गया नंबर सिक्स इसके बाद नंबर सेवन फिगर एक है नंबर सेवन में क्या होगा फिगर एक है लेकिन प्रूफ करना है चार्टो हमको चार्टो प्रूफ करना है बहुत इजी है इन ट्रायंगल ए बी सी नंबर सेवन ट्रायंगल एबीसी सॉरी ये है ए ए सी ए बी
परपेंडिकुलर सी ई का है। हमको क्या दे रखा है, गिवन गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, एडी परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, सी परपेंडिकुलर टू ए। ये भी हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है, एडी एंड सी एबीसी इंटरसेक्ट इज द राइट पॉइंट ओ, एट द पॉइंट पॉइंट पी। देयर मींस ए एंड ए एंड सॉरी एडी, एडी एंड सी इंटरसेक्ट एट पी, दोनों पी में इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो एडी और सी जो है पी में इंटरसेक्ट करते हैं। टू प्रूफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आई बी, सब को दे रखा है। हम पहला लिख देते हैं, फर्स्ट का दे रखा है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, सी डी पी। सेकेंड में दे रखा है ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड में देखा है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी पी। और लास्ट में देखा है ट्रायंगल पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। इन ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी ए और ए, ये दोनों में क्या होगा, ए ई पी एंगल ए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ए ई पी एंगल इक्वल्स टू सी डी पी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या क्या होगा, ये दोनों एंगल समान हो सकता है, ए पी ए पी इक्वल्स टू सी सी पी डी, सी पी डी एंगल, ये ओपोजिट एंगल होगा, ये होगा ओपोजिट एंगल होगा। अगर दोनों एंगल समान हो गया, दोनों से सिमिलर हो गया, दिस सिमिलर क्या होगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, दोनों सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये सिमिलर हो जाएगा। हो गया फर्स्ट का, सेकंड का देखते हैं, एक एक करके प्रूफ करेंगे। सेकंड का देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ए बी डी मतलब क्या होगा, ए बी डी सी डी ई, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या होगा ए डी बी, ए डी बी एंगल ए बी डी का, ए बी डी का ए डी बी, ये जो एंगल है दिस इक्वल्स टू सी बी का सी ई बी, सी ई बी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी टी और सी बी, और बी एंगल क्या है, कॉमन एंगल है, बी एंगल ए बी टी में भी है और सी बी ई में भी है ना, बी एंगल कॉमन एंगल। तो क्या हुआ, दोनों एंगल सेम हो गया, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड का, थर्ड का क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए ई पी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल
एडीबी ए ई टी और ए डी बी ये दोनों में ये और ये बड़ा में और एडीबी होगी यूनाइटेड डिग्री को यूनाइटेड डिग्री को एपी कौन सा होगा ए एंगल ए दोनों का कॉल ए इक्वल्स टू कॉमन एंगल आई बी का आई बी क्या करेंगे आई बी क्या कह रखा है ट्रायंगल पीडीसी ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल क्या करेंगे देखिए पीडीसी पी डी ये एंगल और बीई सी ये एंगल और ये एंगल ये टंगे दोनों टंगे में ये टंगे में ये टंगे होगा पहले देखें ए बी सी पीडीसी है पीडीसी एंगल ये टंगे में पीडीसी और बीई सी ये छोटा टंगे बड़ा टंगे में सेम होगा ये 90 डिग्री का PDC angle equals to BEC angle. And this equals to PDC AB 90 degree or BEC. BEC AB 90 degree. Or we want to say C common angle. C equals to common angle. This is the triangle BDC. We want to triangle. एंगल एंगल सिमिलैरिटी में आ जाएंगे सब तो ये नंबर 7 तक हम लोग डिस्कस कर चुके अगले क्लास में हम क्या करेंगे नंबर 8 से आगे क्लास में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए देखते रहिए इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को आप लोग हर दिन लिप क्लास आ रहा है लिप क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसको देखते रहिएगा और अपना मैथ को प्रिपेयर करते रहिएगा थैंक यू